ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी हकीकत देखी, साथ ही गांव में चौपाल के जरिए लोगों से रूबरू हुई। इसी कड़ी में मेनका गांधी बेलाड़ी गांव पहुंची। वहां लोगों को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि पिछले कार्यकाल में वे प्रधानों के कार्यों से बेहद दुखी थी। आवास, शौचालय, सड़क समेत तमाम योजनाओं में शिकायत मिलती रही, लिहाजा अब नए कार्यकाल में सांसद मेनका गांधी ने अनुरोध किया कि प्रधान ईमानदारी से काम करें। वहीं महोबा जनपद में प्रशासनिक अनदेखी के चलते गांव बदहाली की कगार पर जा पहुंचा है। गौशाला, अन्ना मवेशी, बिजली और पलायन की समस्या इस गांव में विकास की दुहाई देती सरकारी वादों की पोल खोल रही है। बता दें कि बुंदेलखंड के महोबा जनपद के गांव सलारपुर में अन्ना मवेशी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों द्वारा हर साल गोवंश के लिए चारे, पानी और रखरखाव का इंतजाम किया जाता है। इस गांव में मवेशियों के लिए ग्रामीणों की ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा जनपद में बनाई गई गौशालाओं में कई करोड़ की सरकारी लागत खर्च करने के बावजूद इस गाँव के बाशिंदों को अन्ना मवेशियों की सेवा खुद करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि ये अन्ना जानवर हैं, यहाँ पे बहुत सारे अन्ना जानवर हैं, कम से कम 150-200 के आसपास अन्ना जानवर हैं। और यहाँ पे कई सालों से हम ये कार्यक्रम चलता है कि हर आदमी जो खेती करता है कि एक एक जानवर अन्ना जानवर बांधते हैं, अपना तो बांधते ही बांधते हैं और एक एक अन्ना जानवर भी बांधते हैं। और इस साल कुछ जानवर बहुत सारे बच गए हैं, जो 40-50 जानवर हैं वो बच गए हैं, क्योंकि हम व्यवस्था इसलिए बनाते हैं। वहीं सुल्तानपुर में किसानों द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी के बाद आखिरकार तिकोनिया पार्क का ताला खोल दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नगरपालिका प्रशासन द्वारा बंद करवाए गए पार्क को खोला गया। बता दें कि इसी पार्क में राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग अपनी आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। इसी पार्क का सौंदर्यीकरण करवाते हुए नगरपालिका द्वारा यहां 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगवाया गया। इसी के बाद से नगरपालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल द्वारा ये बंद कर दिया गया। इसी को लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला, लेकिन अब इसका ताला खोल दिया गया है। ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि उन्होंने बंद किया है, कि वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज इंस्टॉल किया है, उसकी सुरक्षा के लिए किया है। और हालांकि अभी हमारे ADM प्रशासन साहब ने उनसे, पालिका प्रशासन से बात की है कि इस प्रकार से उसको बंद ना किया जाए। और केवल ये रहा है कि उन जिनको वहाँ पर प्रदर्शन या कोई भी इस तरह कार्रवाई करनी है उनको प्रायर इंटीमेशन दे दे नगर पालिका को, और जगह की व्यवस्था को ना बिगाड़े, मतलब कोई वहां पे इस प्रकार की गंदगी या तोड़फोड़ ना करे, तो दोनों लोगों का काम उससे चल सके। वहीं लखनऊ के सदर तहसील में देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष समेत दर्जन कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरने पर बैठी महिलाओं ने थाली लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ममता चौधरी ने कहा कि देश में हर एक चीज महंगी होती जा रही है, चाहे वो LPG गैस हो या फिर डीजल पेट्रोल के दाम, सरकार पूरी तरह से मौन बैठी हुई है। वहीं इस दौरान ट्रेनी SDM और कांग्रेस महिलाओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि मामले को शांत करने के बाद ममता चौधरी ने SDM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही महंगाई कम नहीं हुई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं औरैया के सदर तहसील में बढ़ती हुई महंगाई और भाजपा सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के द्वारा थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं महिला जिलाध्यक्ष के मुताबिक वर्तमान सरकार की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी भूखों मरने पर विवश है। मुद्दे के मेन मुद्दा है कि महंगाई कमर टूट चुकी है, इस कमर टूट महंगाई से देश से प्रदेश की जनता को राहत दिलाना, यही मेरा ऊपर से आदेश है। वहीं आगरा के खेरागढ़ तहसील में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मेनू ने खेरागढ़ तहसील में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही महंगाई को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस मौके पर खेरागढ़ कांग्रेस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने थाली लेकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मेनू और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखकर मौके पर खेरागढ़ थाना प्रभारी बलवान सिंह पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए। पूरे देश को मालूम है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय इन लोगों ने लाइटें बंद करा दी, मोमबत्ती जलेगी, थालियां बजवा दी। हम ये पूछना चाहते हैं कि थाली बजाने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या जो लोग बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे? आज देश 21वीं सदी में गुजर रहा है। हम लोग जानते हैं कि दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे और दवाई नहीं खाएंगे
हमारी मृत्यु निश्चित है। हम लोगों को मालूम है कि हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। इन लोगों को थाली और बाली के संकेत से हम ये देना चाहते हैं कि इन लोगों ने जो पैदा। वहीं बुलंदशहर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल गैस की बेतहाशा वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल और गैस को जीएसटी के दायरे में भारत सरकार कर देगी तो सरकार को राजस्व के साथ साथ भारत की जनता और व्यापारियों को भी बहुत राहत मिलेगी। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा नुकसान उद्यमियों और व्यापारियों का ही हुआ है। अगर डीजल पेट्रोल और गैस की बेतहाशा वृद्धि से व्यापारी एकदम टूट चुका है। पेट्रोल डीजल के और रसोई के इतने दाम बढ़ गए हैं कि जीना मुहाल हो गया है। व्यापारी परेशान है, अनलोडिंग लोडिंग भाड़े में बेहद वृद्धि हो रही है, जिससे व्यापारी आम जन मानस सारा परेशान है। प्रधानमंत्री से ये अपील है कि पेट्रोल के और डीजल के दाम कम करे जाए, जो जनमानस में अच्छाई और जनमानस में एक खुशी की लहर हो, क्योंकि ऐसा गैस के अभी 25 रुपये गैस के बढ़े हैं, वो ज़्यादा बढ़े हैं, 25 रुपये और कम होने चाहिए गरीब। वहीं हमीरपुर में सड़कों की हालत खस्ता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम भी शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये ऐलान सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गया। हमीरपुर जनपद की सड़कों का भी बहुत बुरा आलम है। यहाँ की सड़कें सालों से गड्ढों में तब्दील हैं, जिनसे होकर यहाँ के लोगों को आना जाना पड़ता है। वहीं गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन का पर्चा नहीं देने का प्रशासन पर आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष के साथ दर्जनों समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर एक लिखित शिकायत की। सपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन पत्र जिला प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया, उसी तरह ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन पत्र को देने में जिला प्रशासन आनाकानी कर रहा है। इसी को लेकर लिखित शिकायत जिलाधिकारी को सौंपी गई और कार्रवाई की मांग की गई है। इस तरह से आप पिछले प्रकरण से ही देख रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जिस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से सरकार के साथ लिप्त है, इसमें किसी भी भूमिका को निकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से आपने देखा इसी कचहरी गेट पे किस तरह से अंदर घुसे हुए भाजपा के प्रत्याशी के गुंडों ने जो मारा पीटा हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, आज फिर उसी चीज़ को इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पे शासन द्वारा हमारे नेताओं को जो ब्लॉक प्रमुखी के उम्मीदवार हैं उनको पर्चा तक। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में एक युवक को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से दबंगों के द्वारा चौथ के रूप में पैसे मांगे जा रहे थे और रुपए न देने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम जोबी है, मैं उनकी सबसे बड़ी लड़की हूँ, ठीक है। इस बात पर गोली मारी आपने? इस बात पर मारी क्योंकि वो लोग करते हैं कि कहीं भी जगह जो भी इंसान थोड़ा खाएगा कमाएगा वहीं कट्टे वट्टे लेके चले जाते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनसे ज़बरदस्ती पैसे छीनते हैं, किसी की भी दुकान में घुस जाते हैं, कट्टे कानों पर रख के उनके पैसे छीन लेते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। इनकी शहर में इतनी गुंडागर्दी चालू है, ये मुल्ला नवाब और उसके सब। देखिए, आज रात्रि में लगभग 10 बजे एक व्यक्ति एहसान पुत्र हबीब निवासी खबीर ज्ञान थाना खुर्जा क्षेत्र अंतर्गत, उम्र इनकी लगभग 48 वर्ष है, इनके परिजन इनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे और साथ ही पुलिस को सूचना दी गई थी कि जब ये अपने एक रिश्तेदार के साथ मोहल्ला बारादरी पंजाबियन खुर्जा में बैठकर खाना खा रहे थे तो अचानक कुछ लोग जो इनके परिचित भी थे वो वहाँ पहुँचे और इनके ऊपर गोली चला दी, जिससे ये घायल हो गए। इनसे जो पूछताछ की गई है, जो इनके परिजन हैं और इनसे भी, उसके आधार पर जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उन आरोपियों की पुलिस द्वारा बहुत तत्परता के साथ टीम बनाकर तलाश की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही पुलिस को सबक। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।